Hello everyone, myself Dr. Mohan Mishra. I have come to HLM College for getting award for Best Book 2023 Personality Development to Bhagavad Gita. I think you will enjoy reading the book. This book is unique for all ages. It will help an individual to develop his or personality and become a stronger, cheerful person and develop a holistic personality. Whether you are a student or a teacher or a doctor or an engineer or any employee fighting corporate battle, by the teachings of Bhagavad Gita you can overcome any of the challenges. This is a very useful book, and the teachings of Bhagavad Gita are very practical in all spheres of one's life. As we know that Arjun, he was one of the greatest warriors on the planet. But due to fear, there is false evidence appearing real. Arjun अपने समय से के सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे, लेकिन वो भी जब हिम्मत हार गए थे तो भगवान ने उनको सेल्फ मोटिवेशनल लीडर बनाया, जिससे कि वो युद्ध कर सकें। अर्जुन इतना घबरा गए थे, और ये जो फियर इतना पावरफुल होता है कि ये बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। तो भगवान ने उनको गीता का उपदेश दिया। अर्जुन कहने लगे थे, रोम हर्चस हो जाए थे, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, हेयर इज स्टैंडिंग ऑन इट्स फीट, अश्रुपूर्ण पुलेशन, भगवान मेरे आंखों से अश्रु बह रहे हैं, गांडी में संस्मृत है, मेरा गांडी जो है उनका जो धनुष था वो खिसक रहा है। तो भगवान ने उनको गीता का उपदेश दिया, जैसे कि हमको पता है कि भगवत गीता में 700 श्लोक हैं। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट थ्रू भगवत गीता 2022 बना देना इसमें ऐसे रखो बंद मत करना है। He is a professional researcher with professional research and teaching experience of over a decade and has done BSc honors in botany, MSc and PhD in anthropology from the University of Delhi. भगवान कहते हैं, गीता में हृदयम पार्थ, गीता में सारमुत्तमम, गीता में ज्ञानम त्रुगम, गीता में ज्ञानम वयम, गीता में चौत्तम स्थानम, गीता में परमम पदम, गीता में परमम गुहम, गीता में परमो गुरु। अर्थात गीता मेरा हृदय है पार्थ, गीता मेरा उत्तम सार है, गीता मेरा अति उग्र ज्ञान है, गीता मेरा अविनाशी ज्ञान है, गीता मेरा उत्तम निवास स्थान है, गीता मेरा परम पद है, गीता मेरा परम रहस्य है, गीता मेरा परम गुरु है। गीता भगवद गीता जी के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए, ओम पार्थाय प्रतिबोधिताम भगवतां नारायणीन स्वयं व्यासेन गृहीताम पुराण मुनिना मध्य महाभारतम अद्वैता अमृत वशिणीम भगवतीम अष्टादशाध्यायिनीम अमृतवाम अनुसंधामी भगवद्गीते उपदेशीम। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन को समझाई गई महाभारत ने वेद व्यास द्वारा कथित की गई अद्वैत अमृत की वर्षा करने वाली 18 अध्याय वाली ऐसी ही माता भगवद्गीते तुम्हारा मैं मन से ध्यान करता हूँ। भगवद्गीता ऐसे दिव्य ज्ञान से भरपूर है कि उसके अमृतपान से मनुष्य के जीवन में साहस, हिम्मत, समता, सहजता, इसने शांति और धर्म आदि दैविक गुण विकसित होने लगते हैं। इससे उसमें अधर्म और शोषण का मुकाबला करने का सामर्थ्य आ जाता है। अतः प्रत्येक युवक युवती को गीता का पाठ करना चाहिए और इनके श्लोकों में गोता लगाकर अपने जीवन को ओजस्वी तेजस्वी बनाना चाहिए। आई थिंक ऑल ऑफ अस मस्ट स्टडी द गीता एंड अप्लाई The teachings of Gita, which are very practical in all spheres of one's life, and it will lead to a happier, cheerful, and stronger person. Thanks.